नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार बोर्डक सचिवालय और रेडियो नेपालक सहकार्य में तैयार कैल गेल रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। नमस्कार, वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। अपने सभी कार्यक्रम रेडियो नेपालक बर्दिवास जीतपुर एफएम स्टेशन आ इंटरनेट में www.radionepal.gov.np से हरेक रवि दिन संध्या काल 5:30 बजे सुनित आबि रहल छी। व्यावसायिक सुपयुक्त सुरक्षित मर्यादित एवं व्यवस्थित रोजगारी मात्र आजुक आवश्यकता थिक। एहि के लेल आधिकारिक निकाय सभक महत्वपूर्ण सूचना संदेश आ आंतरिक तथा बाह्य श्रम रोजगार क्षेत्रक विभिन्न गतिविधि अनुभव आ प्रेरक प्रसंग सभक जानकारी प्रदान करबाक लेल ई कार्यक्रम तैयार कयल गेल अछि। आजुक कार्यक्रम में वैदेशिक रोजगारी संबंधी शिकायत सुनवाई करबाक लेल एकीकृत कक्षक रूप में व्यवस्थित कर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय में शुरू कयल गेल कॉल सेंटर विशेष सामग्री सुनायब। ठकैती सहितक समस्या तत्काल समाधानक लेल गठन कयल गेल मार्शल टोली संबंध में उप सचिव एवं टोली संयोजक विष्णु लामी छाने संग कयल गेल बातचीतक संगे खबर तथा संदेश सब सेहो अछि। संगे रोजगार विशेष खबर आ संदेश सब सेहो अछि। कार्यक्रम सुन के संग देत रहब आ ध्यान सँ सुनित रहब। अपने सबके किछु पुछबाक हुए त एहि फोन मे फोन कयल जाय, अपने सबके समस्या अवश्य समाधान है। फोन नंबर नोट कर लेल जाय 9886426508। प्रतिमा मातृभूमि खोज्दो रहेछ मन, बलहुञ्जेल मात्रै रहेछ विदेशको धन। पौरखी छु देशभित्रै बस्छु उद्यम गरी, श्रम होइन उत्पादन नै बेच्छु संसारभरि। स्वदेशमै लगाउँ सिप विदेश जाने साटो, पसिनाले भिजौँ अब आफ्नै देशको माटो। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय। शुरू में रोजगार विशेष किछ खबर सब सुनी सुना रहल छथि विजय कुमार झा। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय में रवि दिन से संचालन भेल कॉल सेंटर में एक मैन पावर कंपनी ठगि रहल सूचना अयलाक बाद मार्शल टोली आई स्टिंग ऑपरेशन कयलक अछि। काठमांडू के सीनामंगल स्थित मिनुवा मैन पावर वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला श्रमिक संग सरकार तोकने रकम से अधिक रकम ल ठगि रहल सूचना अयलाक बाद मंत्रालय गठन कयने मार्शल टोली संचालक हेमराज राय सहित 3 गोटे के नियंत्रण में लेलक अछि। वैदेशिक रोजगारी में कतार जाय के तैयारी में रहल अली मुस्तफा संग 1,20,000 टका लैत अवस्था में मैन पावर के संचालक राय, मैन पावर के कर्मचारी सहारा थापा तथा एजेंट मोहम्मद इसाक मियां के रकम सहित नियंत्रण में लौ केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो में लगेल मार्शल टोली के संयोजक विष्णु लामी छाने बतौलने छ। सरकार तोकने रकम सँ अधिक रकम लैत आयल मैन पावर के विषय में सूचना भेटला पर तत्काल स्टिंग ऑपरेशन कायल जबाक लामी छाने बतौलन। सामाजिक सुरक्षा कोष में अखन धरि 16,000 से अधिक रोजगारदाता आबद्ध भेल छथि। अहिना 3,00,000 से अधिक योगदानकर्ता सूचीकृत भेल छथि। गत मंगल दिन धरि के कोषक तथ्यांक हिसाबे 6,99,00,000,000 योगदान रकम सामाजिक सुरक्षा कोष में जमा भ चुकल अछि। अखन धरि 69,00,000,000 रकम के दावी भुगतानी भेल कोष जनौलक अछि। कोष के संबंध में आवश्यक जानकारी कोष की हॉटलाइन 1116 में संपर्क कर लौ सकबाक कोष जनौलक अछि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय वैदेशिक रोजगारी से घूरि कर स्वदेश में उद्यम कक बैसल उद्यमी के राष्ट्रीय सम्मान तथा पुरस्कार के लिए आवेदन देवाक लेल आग्रह कयलक अछि। बुध दिन एक सूचना जारी करत मंत्रालय फागुन 10 गते भीतर निवेदन देवाक लेल सूचित कयलक अछि। कमती में 1 वर्ष विदेश रहि कर घूरल आ कमती
दिने एक वर्ष के उद्यम अनुभव भेल आ पांच वर्ष मंत्रालय देवे वाला उद्यमी पुरस्कार प्राप्त नहीं केने सब आवेदन द सकबाक सूचना में उल्लेख है। अहिना गत वर्ष सब में सेहो निवेदन देले बावजूदो पुरस्कार प्राप्त नहीं केने सेहो निवेदन द सके छथि। एहि संबंध में विस्तृत जानकारी मंत्रालय के वेबसाइट www.moles.gov.np में देख सके छी। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़त गेल समस्या के तत्काल समाधान आ संबोधन करबाक लेल कॉल सेंटर के और व्यवस्थित बनाओल गेल अछि। आब कॉल सेंटर तथा वैदेशिक रोजगारी संबंधी शिकायत सुनवाई कक्ष मार्फत वैदेशिक रोजगारी में रहल समस्या शिकायत तथा सुझाव संकलन का एकीकृत कैल जाय। बीतल रवि दिन कॉल सेंटर तथा वैदेशिक रोजगारी संबंधी शिकायत सुनवाई कक्षक आपके भूमिका संबंध में जानकारी करबित मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ प्राप्त सूचना सभक एकीकृत व्यवस्थापनक लेल काज शुरू भेल बतौलनि। यसलाई प्रभावकारी र कल सेन्टरमा आउने गुनासा आफ्ना समस्याहरू तत्काल घण्टामा गर्नुपर्ने या दिनमा गर्नुपर्ने या त्यसलाई भनौँ न अलिकति लामो समयबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने त्यसलाई सर्टलिस्ट गरेर अनि मन्त्रालयकै प्राङ्गणमा त्यो पछिल्ला समय वैदेशिक रोजगारी प्रलोभन देखाके पर्यटन तथा अन्य भिसा में खाड़ी क्षेत्रक विभिन्न देश सब दक्षिण पूर्वी एशियाली देश सब यूरोपेली तथा अमेरिकी देश सब आ अफ्रीकी महादेशक देश सब में गैर कानूनी रूप में पहुँचा के नेपाली नागरिक के बीच रास्ता पर छोड़ दिल गेल ठकैती कैल विभिन्न समस्या तथा कठिनाई में पड़ल कई दैनिक शिकायत अलाक बाद मंत्री श्रेष्ठक निर्देशन में मंत्रालय में शिकायत सुनवाई आ कॉल सेंटर स्थापना कैल गेल अछि। मंत्रालय के सचिव एक नारायण अर्याल कॉल सेंटर तथा वैदेशिक रोजगारी संबंधी शिकायत सुनवाई कक्ष सँ वैदेशिक रोजगारी में रहल समस्या शिकायत तथा सुझाव संकलन का प्राथमिकता संग समाधान कैल जेबाक बात बतौलनि। वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि के कुराहरुमा मंत्रालयले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरु हाम्रो वैदेशिक रोजगार बोर्ड छ, वैदेशिक विभाग छन् र हाम्रा कार्यालयहरू पनि छन्, हामीले अनलाइन सिस्टममा हामी लगिसकेका पनि छौँ धेरै कुराहरू। कॉल सेंटर 2075 साल क्षेत्र 18 गते सँ संचालन में अछि। हाल शिकायत कॉल सेंटर संगे शिकायत सुनवाईक लेल पांचटा निकाय सभक व्यवस्था कैल गेल अछि। सचिवालय में रहित काल आ अखन मंत्रालय भीतर रही के कॉल सेंटर संचालन भेला पर आवे वाला जिज्ञासा आ शिकायत में किछु फरक अछि कॉल सेंटर संयोजक सरीना मानन्धर कहै छथि। मंत्रालय को नै निगरानी में रहेर काम गर्दाखै अझ बढी चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अखन प्राय दैनिक कॉल के प्रेसर बढ़ित गेल ओ बताबैत छथि। मैसेजहरु गरेर छोड़ दिनु भयो भने हामी फलोअप गर्छौं। कॉल सेंटर तथा वैदेशिक रोजगारी संबंधी शिकायत सुनवाई कक्ष में केहन तरह के समस्या शिकायत अछि ऐसा सरकार के नीति निर्माण में सेहो सहयोग पहुँचबाक मंत्री श्रेष्ठक विश्वास अछि। वैदेशिक रोजगारी के नाम में होमय वाला कोनो प्रकार के रकम संकलन ठकैती सहितक गतिविधि में संलग्न व्यक्ति मेन पावर कंपनी व अन्य संस्थाओं पर वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 आ अन्य संबद्ध कानून अनुरूप पकड़ल जेबाक अनुसंधान करबाक आ आवश्यक कार्यवाही आगू बढ़ेबाक मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संबंधी समस्या तथा शिकायत मंत्रीक सचिवालय के मोबाइल नंबर 9823256704 9823256706 आ मंत्रालय में रहल कॉल सेंटर के नंबर 9771597008 वा टोल फ्री नंबर 1141 में सीधे संपर्क 2400 घंटा शिकायत आ समस्या टिपा सकैत छी। श्रोता आप कार्यक्रम में वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला वा अन्य के लिए आवश्यक पासपोर्ट अर्थात राहदानी विषय में हम सब जानकारी दे बजा रहल छी। ई जानकारी राहदानी विभाग के वेबसाइट सँ लेल गेल अछि। विद्युतीय राहदानी की अछि? अखन के राहदानी में भेल बात सब के अतिरिक्त विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट विद्युतीय चिप आ एंटेना सेहो जड़ान कैल गेल अछि। चिप में औंठा छाप तस्वीर लगायत व्यक्तिगत विवरण सब रहित अछि। ई विवरण सब राखि कऽ चिप लॉक कऽ चुकला बाद केओ हॉपगार्ड वा फेरबदल
नहीं कह सकते ये अखन धरि संसार के विभिन्न देश सब में जारी भेल अत्याधुनिक राहदानी मध्य एक है। दोसर विद्युतीय आ मशीन रीडेबल राहदानी के दस्तूर कतेक है। विद्युतीय आ मशीन रीडेबल राहदानी सब के दस्तूर एकटा है मुदा 66 पृष्ठ के साधारण राहदानी के दस्तूर अलग है। विभाग में पहले एक दिनक दू दिनक वा तीन दिनक सेवा भेल में अखन संशोधित राहदानी नियमावली अनुसार दू कार्य दिन भीतर जारी होबा सन एकटा द्रुत सेवा कायम कयल गेल अछि। दू दिन में लागय वाला साबिके के 12,000 दस्तूर तोकल गेल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय समय निवेदन देला पर 34 पृष्ठ के राहदानी के लेल साबिके के 5,000 आ 66 पृष्ठ के लेल 10,000 राहसो लगैत अछि। विभाग में 66 पृष्ठ के राहदानी के लेल निवेदन दैत काल 20,000 राहसो लागत। विदेश स्थित कूटनीतिक नियोग सब में अलगे दस्तूर तोकल गेल अछि। हरला पर फाटला पर आ 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चा के हक में अलग अलग दस्तूर लगैत अछि। अहिना जिला समय लाइव इनरोलमेंट क चुकला बाद विद्युतीय राहदानी भेटा के लेल कतेक समय लगैत अछि। काठमांडू उपत्यका के तीनों जिला समय लगभग एक हफ्ता भीतर राहदानी उपलब्ध होइत अछि। काठमांडू बाहर महेंद्र राजमार्ग आ आसपास के जिला हवाई सुविधा भेल जिला में लगभग 15 दिन भीतर राहदानी उपलब्ध होइत अछि। जिला प्रशासन कार्यालय में राहदानी प्राप्त भ चुकला बाद लेवा आवा के लेल मोबाइल में SMS अबैत अछि। अहिना राहदानी के दोसर जानकारी जौं राखी त नया राहदानी बनेला बाद हरायल वा चोरी भेल राहदानी भेटला पर अइ के प्रयोग क यात्रा नहि करबाक लेल राहदानी विभाग अनुरोध कयलक अछि। हरेला पर चोरी भेला पर वा फाइट गेला पर नया राहदानी बनाबय वाला पहले के राहदानी भेट चुकला बाद ओहि से यात्रा कयला पर कार्रवाई सेहो भ सकबाक विभाग जनौलक अछि। विभाग एक सूचना जारी करैत नया राहदानी बनौला बाद नया मात्र प्रयोग करक लेल कहने अछि। वैदेशिक रोजगारी में अनेको अवसर देखा के प्रलोभन में राखि आ बीच रास्ता में छोड़ देल गेल बनौनिहारक संख्या अधिक आ शिकायत सेहो अयलाक कारणे श्रम मंत्रालयक उप सचिव विष्णु लामी छानक नेतृत्व में मार्शल टीम गठन कयल गेल अछि। विशेष कर विजिट भिसाक शिकायत बहुत अयलाक कारणे ई टीम गठन भेल ओ कहैत छथि। हुन त हाम्रो वैदेशिक रोजगार विभाग त्यसमा क्रियाशील छ, त्यहाँ रेपिड एक्सन टिम पनि बनेको छ, त्यो पनि त्यहाँ क्रियाशील छ, सरकारी संयन्त्रहरू प्रहरीहरू सबै क्रियाशील छन्। कल सेन्टर आ मार्शल टिमक सम्बन्ध रहत कि नै रहत, मुदा ई सक्रियता आ प्रयास मन्त्रालयक नेतृत्वमे आवासन परिवर्तनक सँगै परिवर्तन हैत। टीम भ्रमण भिसा कोन कोन देश के केहन प्रयोजन के लेल कयल जाइत अछि आ रोजगारी के लेल जाय वाला नागरिक के केहन कागजात मिला कर भ्रमण भिसा में जाइत अछि एहि विषय में सेहो अध्ययन कर रहल अछि। आवश्यक सूचना लो आ द मात्र वैदेशिक रोजगारी प्रक्रिया शुरू करबाक आग्रह करैत मार्शल टोली संयोजक विष्णु लामी छाने कहैत छथि। कुनै पनि मेन पावर कम्पनीले कर्मचारीलाई भनेर पैसा असुल चाहिँ उहाँहरूबाट माग्छ भनेदेखि त्यसको जानकारी हामीलाई दिनु। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा तपाईँलाई विभिन्न अवस्था जस्तै यात्रा गर्दा गन्तव्य स्थानमा पुगेपछि एवं कार्यस्थलमा स्वास्थ्य सम्बन्धी थुप्रै जोखिम आइपर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा सर्ने तथा नसर्ने रोग, पेशागत दुर्घटनाका कारण चोटपटक, अङ्ग भङ्ग, अकाल मृत्यु, हिंसाको शिकार हुन सक्नुहुन्छ। तसर्थ तपाईँ वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व स्वास्थ्य सम्बन्धी यी उपायहरू याद गर्नु उचित हुन्छ। सधैँ नेपाल सरकारले तोकेका प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र जाने गरौं। आफूले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता पत्रमा स्वास्थ्य बीमाको प्रावधान बारे निश्चित गर्ने गरौं। कुनै औषधि तथा उपकरणको प्रयोग गर्ने गर्नु भएको छ भने आफूलाई जाँच्ने डाक्टरसँग परामर्श गरी आवश्यक थप औषधिको व्यवस्था गर्नुहोस्। गन्तव्य देशका विभिन्न रोग बारे जानकारी लिनुपर्छ। आवश्यक परे तोकिए बमोजिम खोप लिनुपर्छ। यात्राका क्रममा आइपर्न सक्ने स्वास्थ्य जोखिम कम गर्न स्वस्थकर खाना, सफा र सुरक्षित पानी तथा व्यक्तिगत सरसफाईमा ध्यान दिने, संक्रामक रोगहरू जस्तै टीबी, रुगा खोकी र झाडा पखलाबाट बच्ने उपाय अपनाउने, गन्तव्य मुलुकमा स्वस्थकर खाना खाने, सफा र सुरक्षित पानी पिउने, औलो तथा डेङ्गीको उच्च जोखिम भए बच्ने उपाय अपनाउने, उच्च तापक्रममा काम गरी एसी चिसो बनाएर नसुत्ने, स्वस्थकर व्यवहार अपनाउने,
धूमपान तथा मद्यपान नगर्ने, असुरक्षित यौनजन्य क्रियाकलाप नगर्ने, नियमित व्यायाम गर्ने, दिनमा थोरैमा पनि आठ गिलास पानी पिउने, सडकमा हिँड्दा सधैँ ट्राफिक नियम पालना गर्ने, काम गर्ने स्थानमा उल्लेखित सुरक्षा नियमको पालना गर्ने, सम्भव भएसम्म विदेशबाट फर्किँदा पनि स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस्। त्यसो गरे विदेशमा रहँदा तपाईँलाई कुनै रोग लागेको भए त्यसबाट तपाईँ र तपाईँको परिवारलाई समयमै सुरक्षित बनाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डक वेबसाइट www.fepb.gov.np सँग फुर्सद के समय में देख सकै छी। समय संकेत लगभग दौ चुकल है। दोसर सप्ताह से हो वैदेशिक रोजगार संबंधी सामग्री सब सुनब। ई कार्यक्रम अपने सब रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण केंद्र बर्दीवास सँ रवि दिन साँझ 5:30 बजे मैथिली भाषा में सुन सकैत छी। आजुक कार्यक्रम सँ विजय कुमार झा, प्राविधिक मित्र रंजीत यादव के संगे कार्यक्रम संयोजक अरविंद मिश्र के आज्ञा देल जाए। नमस्कार।